नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। आज हम एनसीईआरटी से फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम का डिस्कस करने वाले हैं, प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। तो देखिए, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं, यानी कि व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। तो अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजें नई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, यानी कि वर्गीकरण का ये महत्व है कि इसमें नई प्रजातियाँ कोई खोजी जाती हैं तो उनको हम उचित स्थान पर रख सकते हैं। और अभी तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का क्या आधार है उसका हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी जो कोशिकीय व्यवस्था है, शारीरिक सममिति है और उनकी जो पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है और जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समस्याएं और आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है, उसका वर्णन हम यहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेशन यानी पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। यानी कि इन सब पैटर्न्स को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का आधार। तो सबसे पहले जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद सिमेट्री है और इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कौन कौन से ऐसे आधार हैं, कौन कौन से वर्गीकरण का आधार है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं यानी कि संगठन के स्तर की सममिति यानी जिसको सिमेट्री कहते हैं, सममित की, और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, और सीलोम जिसको कि हम कहते हैं देह प्रगुहा या सीलोम जिसको प्रगुहा या सीलोम बोलते हैं, सिगमेंटेशन, खंडी भवन और मोनोकॉर्ड, इन सब के आधार पर हम वर्गीकरण का जो आधार है उन सभी का यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। यानी कि जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सिगमेंटेशन, मोनोकॉर्ड, इन सभी आधार पर हम आज बारी बारी से यहाँ चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स यानी कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच जो श्रम का विभाजन होता है वो सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। इसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठन यानी कि संगठित होकर ऊतक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो कि प्लैटीहेल्मिन्थीज के सदस्य और अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर
अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य करता है, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएँ प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो वो स्पंज में होता है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो सीलेंट्रेट्स में होता है। इसी प्रकार से ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिंथीज में, और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हम बात करते हैं वो एनेलिडा में और आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, जैसे आप ट्रिक के माध्यम से देख पा रहे हैं आम। और इसके बाद जो फिर इसके बाद क्या है, इको से इसको कैसे समझेंगे, यानी कि इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस में होगा, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाहद्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है, जिसे हम जैसे कि प्लेटीहेलमिंथीज में। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिंथीज हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। सिंगल ओपनिंग होती है जो कि बोथ माउथ एंड एनस की तरह सर्व करती है, एंड हैंस आर कॉल्ड इनकम्प्लीट। फिर हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो माउथ और एनस इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें अलग अलग होता है। अब हम आगे बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटर सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो उसमें ओपन टाइप और क्लोज टाइप, यानी कि खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो खुले परिसंचरण तंत्र ओपन सिस्टम में क्या है, तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है रक्त, तथा कोशिकाएँ एवं ऊतक उसमें डूबे रहते हैं, यानी कि इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। फिर हम क्लोज्ड की बात करते हैं, क्लोज्ड टाइप सिस्टम में, जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से विभिन्न जो डायमीटर की होती हैं, विभिन्न वेरिंग डायमीटर की जो वेसल्स होती हैं, जैसे कि आर्टरीज है, वेंस है और कैपिलरीज है, तो इन्हीं जो है ये डायमीटर्स की जो वेसल्स हैं, इन्हीं के माध्यम से जब सर्कुलेशन होता है ब्लड का तो वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। चलिए अब हम आगे इस वीडियो लेक्चर में सिमेट्री की बात करते हैं। तो देखिए सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो सिमेट्री देखिए एसिमेट्रिकल सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल है और रेडियल सिमेट्री है, इसके बाद बायलैटरल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या है कि प्राणी को सम्मिक के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, जैसे स्पंज जो होता है उसमें एसिमेट्रिकल है, स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इट इज ए रेडियल सिमेट्री। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, यानी कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और यह होता है रेडियल सिमेट्री। सी स्क्वायर ई से आप याद कर लेंगे, यानी कि सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इन इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री जो होती है वो एडल्ट में होती है। फिर हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की, तो द्विपार्श्व सममित की बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री में, तो इसमें एनिमल्स लाइक एनिलेडा, आर्थोपोडा, तो इसमें क्या है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन।
तो इनमें क्या है, एक ही अक्ष से यानी कि एनेलिडा अर्थोपोडा में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को दो समरूप दाएं और बाएं भाग में बांट देती है, इसको हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो ये बायलैटरल सिमेट्री किस किस में हो जाएगी देखते हैं इसमें। देखिए बायलैटरल सिमेट्री जो है वो प्लेटीहेलमिंथीज में है और एस्केहेलमिंथीज में है, एनेलिडा अर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा में होगी और हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा में होगी। इकाइनोडर्मेटा में लार्वल स्टेज में पाई जाएगी बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री एडल्ट स्टेज में पाई जाएगी।